ये मम्मी लगी हुई है राई निकालने। मम्मी राई निकाल रही मम्मी बीज के लिए। मम्मी ने ना ये हमने ये भी गार्डन में अपने में थोड़ी सी लगाई हुई थी, ये बीज निकाला है मम्मी ने। मतलब ये वाला जो अब राई निकली है इसका हम दोबारा से बीज बो देंगे। और बाकी की राई कहाँ गई? डब्बे में भर ली। मतलब थोड़ी सी राई निकाल के तड़के के लिए मम्मी ने डब्बे में भर लिया, और ये बीज के लिए इसलिए मम्मी ने जमीन पे फैला दिया, क्योंकि इसका बीज ही लगाना है, खानी तो है नहीं हम लोगों ने। ये खाने वाली अलग से भर ली मम्मी ने। सौंफ भी निकाल ली और बीज भी। ठहरो झाड़ू दूं? नहीं। क्यों हाथ से करते रहोगे? होप मैं आप लोगों को क्लियर दिखा पा रही होंगी जितना मेरे कैमरे की क्लियरिटी है यार फोन की। देसी तो है ये, घर की राई है। एकदम जब तड़का दो ना इसका ऐसे मजे से खुशबू चढ़ती है, कोई हिसाब नहीं। वो तो हिलाइए तो हाँ एक तो पचा पीतल मैं ले आती हूँ बोतल, फिर उसमें भर लूं। ये बोतल रखी है मम्मी ने स्टोर रूम में, इसमें मम्मी भरेंगी राई अपने। इसमें और भी भर रखा है कुछ। लो मम्मी पकड़ना, झाड़ू का रखा है ये देखो बीज के लिए। ये झाड़ू बहुत खर्चा नहीं आया। ये झाड़ू छोटा सा ना जो घर में भी यूज नहीं होता, ये रखा हुआ है ऐसे कामों के लिए। यही होती है गांव की जिंदगी, कुछ ना कुछ करते रहो। बहुत ज्यादा खेती तो हम करते नहीं क्योंकि जानवर हमने पाले नहीं है, गाय भैंस वगैरह, पर छोटा मोटा करते ही रहते हैं। बगीचे में उगा लेते हैं। बीज के लिए इसका तेल भी निकलता है पिछले साल की सारे थोड़ी फायदा नहीं अचार के लिए। अचार में डालने के लिए इस वाले डब्बे में जो रखी है राई। Thank you.
किसी के पास थोड़े होते। साड़ी नहीं है शेर। गैलरी साफ ही थी बिल्कुल, झाड़ू वाड़ू लगा लिया था सुबह गैलरी में और स्टेयर्स में, उसके बाद ही मम्मी ये करने बैठी, क्योंकि ज्यादा फिर नीचे मिट्टी वगैरह होती है ना, ये तो चलो उसी में से निकली है झाड़ में से ही, लेकिन अगर ज्यादा गंदगी में करो तो फिर खाने लायक नहीं ना रहती, खाने के लिए भी तड़के में यूज करते हैं, तो पहले ही मम्मी अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा करके उस जगह पे सफाई करते हैं। हम लोग गेहूं भी यही बनाते हैं जो छांटते हैं छूटते हैं। आजकल कोरोना की वजह से हम लोग अंदर नहीं आने दे रहे दूध वाली मामी को भी, जो आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे कि आते हैं बैठते हैं चाय पीते हैं। ये मेरे पापा का पुराना स्कूटर है, कार हमने पहले ही सेल कर दी थी, पापा ने कर दी थी वो तो काफी टाइम पहले। दूध का डब्बा यही रख देते हैं। ये हमारी शॉप वाला बेंच है और इसको भी मैं थोड़ा सा पेंट वेंट करके और जहाँ से कील वगैरह इसकी वो हुई हैं डीली उनको करूँगी रेनोवेट, वो भी आपके साथ दिखाऊंगी। इस अपने बिल्कुल इस बेंच को नया बनाऊंगी। तो दूध का डब्बा हम यहीं से पकड़ा देते हैं गेट से और ले लेते हैं। बस ये कूड़ा मम्मी ने बाहर निकाल दिया, हो गई जयराम जी की। मतलब इस गैलरी में दो चार बार तो हम लग ही जाते हैं हमारा झाड़ू, और ताला हम खोल ही नहीं रहे आजकल यार, ताला हम नहीं खोल रहे आजकल, हम बस यही गेट से ही सामान ले लेते हैं, गेट से ही सब कुछ। हालांकि 2 बजे तक परमिशन मिल गई है लेकिन हम 2 बजे तक खोल नहीं रहे शॉप्स, सीमेंट भी खत्म हमारा। सब्जी वाली शॉप खुली अभी तो, सुबह सुबह बस इतना ही है मॉर्निंग में। और ये सरिया हमने रखवाया हुआ है क्योंकि हमने थोड़ा सा काम करवाना है। देखो अब कब लॉकडाउन पूरी तरह खुलेगा तब जाके कहीं काम होगा। मम्मी जी ये राई रख दूं अंदर? और ये देखो मेरी फोटो, मैं लाइट जला के दिखाती हूँ। ये ऐसे ही पड़ी थी, मतलब एक के ऊपर एक रखी थी बहुत सारी, तो ये खराब हो गई थोड़ी और इसमें वो लग गया। फ्रेम बिल्कुल खराब नहीं, आप फ्रेम देखो, फ्रेम पापा ने ऐसी फ्रेम लगवाई थी अच्छी वाली है ना। इस फोटो में जब मैं, मतलब मैं इसमें थी 2.25 साल की, 2 साल की कंप्लीट नहीं थी, ये तब की फोटोग्राफ है। और अब मेरी एज, अब एज तो वैसे लोग ज्यादातर बताते नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ भाई, 33 ईयर्स की हूँ मैं। और ये चने रखे हैं, मैंने पहले भी दिखाया था, क्योंकि अब लॉकडाउन में हम बेच नहीं रहे ना यार, सामान नहीं बेच रहे दोस्तों, हम कम ही बेच रहे हैं। किसी को बहुत जरूरत है कोई लेंटर बांधने वाली तार या नल वगैरह या कुछ इस तरह का सामान, हार्डवेयर मैंने रखा हुआ है, अगर वो कोई लेने आ रहा है तो मैं सेल कर रही हूँ, वरना नहीं। तो ये दाल चने वगैरह हमने अपने लिए रख लिए। और ये है मेरा प्रेस्टीज का नया कुकर, मैंने बताया था ना आपको, इसका और प्रेस्टीज के बाकी 2 सेट है मेरे पास, उनका मैं कल आपके साथ कल पक्का से रिव्यू शेयर करूंगी। ये है मेरा छोटा सा पेन स्टैंड बोलो या वो बोलो आप इसको, मैगजीन स्टैंड टाइप बोलो। अब एक हाथ से खुलेगा भी नहीं क्योंकि एक हाथ में फोन है, इस तरह का है, बहुत ही क्यूट है। ये मेरे रूम में होता था पहले, ये बच्चे होने से पहले, बच्चे कुछ छोड़ते नहीं है। जब दो वो पड़े ऊपर, वो पड़े उधर है ना, वो दो भी जो है मेरे ऑरेंज और ब्लू कलर के मैगजीन स्टैंड या बुक स्टैंड है, जो मैं अपने पीजी में रखा करती थी अपने रूम में, स्टोर रूम आप मेरा पहले भी देख चुके हो। ये पापा का टेबल, इसको भी मैं एक दिन बहुत अच्छे से करूंगी पेंट वेंट उतार के, पुराना नया पेंट करूंगी। पापा के शूज जो लेदर के थे बाटा के, वो हमने दे दिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू थे क्योंकि 2500 रुपए का जूता था वो, और एक 1200 रुपए की चप्पल थी वो भी दे दी हमने। बस ये बूट जो वो रेगुलर घर में पहनते थे वो रखे हमने संभाल के अपने पास। और मेरी ये लक्ष्मी माँ की फोटो मुझे ऑफिस से गिफ्ट मिली थी, जब मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया करके दिया था, जब मैं रिलायंस में ब्रोकिंग करती थी तब मुझे ऑफिस से गिफ्ट मिला था। फ्रेम विदाउट फ्रेम मिला था ये, लेकिन फ्रेम मैंने लगवाया इसको, फिर इसका फ्रेम भी 1400 रुपए का लगा था, लेकिन ये जैसे मेरे पापा एक्सपायर हुआ तो हमने ये निकाल के रख दिया। 2009 में मिली थी मुझे ये, तो निकाल के रख दिया क्योंकि उस कमरे में लगाते नहीं है पिक, फिर कुछ भी एक साल तक नीचे ही सोना पड़ता है या जो भी है। तो मम्मा बीमार थे तो 1 महीने के बाद फट्टे वाले बेड पे सोते थे मंजी पे अलग से। तो ये फोटो नीचे बड़ी बड़ी यार खराब होगी, इसमें ना पीछे से सीलन आ गई, देखो दिख रहा है ना। अब मैं कोशिश करूंगी जैसे लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुलता है तो किसी डिजिटल वाले से बात करके इसको ठीक करवाने की, नहीं होती तो किसी मंदिर में ठीक करवा के चढ़ा दूंगी, यही कर सकती हूँ। फ्रेम भी आप देखो कि नहीं है, मम्मा और मैं बहुत संभाल के रखते हैं अपनी चीजें। और ये है चीकू के पुराने खिलौने और पुराना टूटा फूटा ट्रे वगैरह, ये देना यार कबाड़ी वाले को,
है ना, क्योंकि तोड़ दिया ये गुड़िया ने, गिराया तोड़ दिया। ये इसका टब था नहाने वाला, ये भी वेस्ट है, कौन भरे हवा इसमें। ये टोकरी भी तोड़ दी, ये मेरे पापा की छतरी थी ये भी खराब कर दी बच्चों ने। आप मानोगे नहीं, ये साइकिल तब की है 3 साल पहले, जब चीकू 2 साल का हुआ था पापा लेके आए थे इसको, ठीक है। ये फिर टूट गई थी तो मैंने ही फेंक दी थी गुस्से में, तो ये वेल्डिंग कराई है यहाँ से। और ये साइकिल अभी लाए हैं हम 6-7 महीने पहले, और ये 1700 रुपए की है, और इसका कबाड़ा कर दिया बच्चों ने। और ये साइकिल आई थी 2200 रुपए की, स्कूटर टाइप, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत अच्छी है। लो चीकू जी भी आ गए नंगे पैर उठ के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। स्लीपर्स कहाँ है बेटा, चप्पलें कहाँ है भाई? जो धूप लगाया मैंने और उसे सिंदूर में रखते हैं, ये मैं आपके साथ एक बहुत ही रेयर चीज शो कर रही हूँ। हो सकता है सबको पता हो, कई लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, बट अपने घर की चीजें कोई शेयर नहीं करता है। ये मैंने ली थी, ये मेरे पापा के लिए हुई है, और इसे पानी पिलाया जाता है, लेकिन इस मणि को मैंने 3 साल से पानी नहीं पिलाया। तो कहते हैं कि 6 महीने पानी नहीं पिलाओ तो सूख जाती है, लेकिन मैं 3 साल बाद इसे पानी पिला रही हूँ, और आप देख सकते हो कि पानी पी रही है। मैंने पानी में डिप किया हुआ है, पी रही है ना पानी। और इसे भी मैंने अभी पिला के हटाया ही था, बट ये इतना पानी नहीं पीती, जबकि इसे मैं रेगुलर पानी पिलाती हूँ, हर साल एक बार, साल में एक बार पिलाना होता है। तो ये वाली जो है ये इतना पानी नहीं पीती, थोड़ा ही पीती है, और थी भी छोटे सांप की। जो कल मैंने व्लॉग शेयर किया था ना नागनी माता का, इसे उसी का सूचक माना जाता है। ये अभी अभी हटाई थी, निकाली थी मैंने पानी पिला के, तो ये पी चुकी है। ये इतनी स्पीड से नहीं पीती, छोटी है ना, तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे पीती है, और ये बहुत टाइम से भूखी है शायद बेचारी। फिर इसे कपड़े पे सुखा लेते हैं और फिर ये सिंदूर में रखते हैं। तो मैं और सिंदूर भी ले आई हूँ, क्योंकि दोनों का अलग अलग रखा हुआ है। ये पापा वाली डिब्बी है, ये मेरी वाली डिब्बी है निविया वाली क्रीम की। तो अब ये वाला सिंदूर जो है हनुमान जी वाला, ये डाल दूंगी इसमें, इसी में रखते हैं पहुंच पांच कर इसको। अगर आपके पास भी मणि है तो उसकी केयर आप इसी तरह से करें। बस मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया। आज मैंने वही काली पीली दाल बनाई है। हम ज्यादातर धुली मूंग की दाल या काली पीली दाल बनाते हैं, और आज मैंने थोड़ी ये पतली बनाई है, क्योंकि कल मम्मा को बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई है शाम को, तो गाढ़ी दाल वो बोल रहे हैं खानी नहीं है। और इसमें मैंने टमाटर भी नहीं डाला है, सिर्फ एक प्याज और हरी मिर्च और अदरक ही डाला है। तो ये मेरा ब्रंच तैयार है, क्योंकि मैंने सुबह 2 बार चाय पी ली और मन भी नहीं है कुछ खाने का मेरा भी। और मम्मा को थोड़ा सा खिचड़ी और पापड़ दे दिया, और खुद के लिए भी मेरा तैयार हो गया। ये मेरा ब्रंच, क्योंकि बजने वाले हैं 10 और अब खा लूंगी, और उसके बाद शाम तक कुछ नहीं खाने वाली हूँ। मतलब थोड़ा सा डाइटिंग कर रही हूँ यार, थोड़ा पतली हो जाऊँ, ज़्यादा भी नहीं। देखती हूँ बच्चे पापड़ खा चुके हैं, वो खाते हैं कि नहीं। और आज मैंने ये अमृतसरी पापड़ भी कानों के जो मैं लाई थी ना लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, वो भुना है। पहले नॉर्मल काली मिर्च वाला भुना था, आज ये भुना है। ये नहा रहा है चीकू, और कह रहा था कि वॉशरूम में नहीं नहाना है,
मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रही हूँ, ये यहाँ नहा रहा है तो टिया उसे बहुत नहला रही है बड़े प्यार से और हमेशा कहती है ये ना मेरा बेटा है। मैंने कहा भाई हो सकता है पिछले जन्म में तुम इसकी मम्मी रही हो। धूप हो गई है काफी, दोपहर पड़ गई है। आज मैं आपको पूरे दिन के छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वही दिखाऊंगी कि पूरे दिन में क्या क्या क्या, क्योंकि पूरा दिन शो करना, पूरा दिन कैमरा लेके कोई मेरे पीछे नहीं चल सकता। तो मैं टप वप सब रखाई थी नीचे, अभी मैंने झाड़ू लगाया घर में, अब पोछा लगाना है। तो मैं आपको झाड़ू पोछा लगाते हुए दिखाऊं तो वो तो थोड़ा हार्ड होगा, आप भी बोर हो जाओगे। कोटला जाके आई हूँ तो क्या कहते हैं दवाई की पर्चियाँ, मम्मी के लिए दवाई अपने लिए और चीकू के लिए लाई हूँ। ये चीकू के लिए दिया मल्टी विटामिन डॉक्टर ने, और ये क्या आयरन, दांत किटकिटाता है उसलिए, और ये मेरी स्लीपिंग पिल, ये मेरी स्लीपिंग पिल्स, नींद नहीं आ रही आजकल। 6 लॉलीपॉप लाई थी, एक बच्ची है, 5 खा गए, 2 वो खा गई गुड़िया और 3 वो खा गया और 1 ये खा लिया। 5-5 वाली 4 चॉकलेट थी वो भी ठूस ली इन्होंने, पता नहीं कैसे बच्चे हैं यार, खाना ही नहीं खाना चाहते हैं। तो और क्या खा गए, और ये कैल्शियम मम्मी के लिए, मेरे लिए ये चीकू की पेट में कीड़े वाली दवाई एक मैंने खिला दी। गुड़िया बार बार रबर बैंड गुम कर देती है तो मैं ये वाले ले आती हूँ, ये बहुत अच्छे होते हैं और गुम ना करो तो काफी टाइम चल जाते हैं, मतलब बड़े भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि छोटे बच्चे लगाएं। और चीकू का कान पक गया है तो ये लाई हूँ उसके लिए दवाई। अच्छा एक बात और यहाँ बताना चाहूंगी, ये जो क्लोबेस्टॉल है ना, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है, अब दिख रहा है ना क्लोबेस्टॉल वाला, एक सिंपल क्लोबेस्टॉल ऑइंटमेंट भी आता है जो कि पकने वकने के लिए अच्छा होता है, कोई भी चीज फुंसी वुंसी पक जाती है ना फिंसी वगैरह तो उसके लिए। और ये एक नई चीज मैंने देखी है, मैंने कई तरह के वो देखे हैं चम्मच वम्मच, लेकिन ये चीज मैंने पहली बार देखी आज। कई तरह के कैप्स वगैरह देखे मैंने, ड्रॉपर वगैरह, पर ये नई चीज देखी और मुझे यूज करना भी नहीं आ रही। इस पे दी हुई इंस्ट्रक्शन फिर भी मुझे यूज करनी नहीं आई है ना, आई नहीं इसमें दवाई ववाई, पता नहीं क्या करना था इसका। यूज द डिस्पेंस 1 ml ऑफ सिरप वगैरह वगैरह, अब हुआ नहीं इसका कुछ भी। और एक ये मास्क ले आई, जो पहले लाई थी मास्क 4, वो तो फिर फेंकने होते हैं है ना, डिस्पोज करने पड़ते हैं, तो ये नहीं करना पड़ता, इसको रोज रात को धो दो, क्योंकि अब शॉप खोलते हैं, अब थोड़ी देर खोलेंगे आज से, कल से, आज से तो नहीं क्योंकि अब टाइम मिल गया है 1 तक का खोल सकते हैं शॉप, लेकिन हम 12 तक खोलेंगे, 10 से 12, 2 बस। किसी को कोई नेसेसिटी वाला सामान लेना तो, अदरवाइज नहीं। तो ये मम्मी के लिए ले आई हूँ मैं, ये वाला मास्क 50 का मिला है, दूसरे को मिल ही नहीं रहे थे कोटला में। और चीकू भी गया था कोटला, गाड़ी करके गई थी, फिर 300 का खर्चा। वैसे बेस्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुल रही।